गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक ही हैं। और ठीक क्या है गाइस, आज कम एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरी तबीयत नहीं ठीक है बिल्कुल भी। आप लोग देख लो कितना ज़्यादा, मतलब छोटे छोटे दाने भी निकल आए हैं, फीवर हो रहा है। फीवर तो मुझे उसके पहले भी हुआ था तो ठीक हो गया था, मैंने जो है दवा भी ली और इसके बाद ठीक हो गया था। पता नहीं कैसे फिर स्टार्ट हो गया, मतलब फिर से हो गया मुझे। और इसके बाद तो मैं वही काढ़ा पी रही हूँ अभी, और मैंने चाय बंद कर दी है दूध वाली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं उससे दिक्कत हो क्या हो, मतलब वही जब डर लगा रहता है ना, क्योंकि जब तबीयत खराब हो जाती है तो सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है मुझे, क्योंकि मेरे बाबू का स्कूल भी और उसको खाने पीने की हर चीज़ की दिक्कत होने लगती है उसको, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ काढ़ा और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अभी तो आवाज़ मेरी थोड़ी ठीक हो गई है, नहीं एकदम से पता नहीं क्यों ना मुझे फीवर होता है तो खांसी इतनी आती है कि एकदम मतलब गला ही नहीं, गले से आवाज़ ही नहीं निकलती और गला ख़राब ही हो जाता है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देख लो मुझे मतलब मेडिसिन लेने में कितनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो तब मैं और ठीक हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मतलब दिन बीतते जा रहा है वैसे मैं ठीक होती जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, जो कैप्सूल होते हैं ना उनको मैं खा लेती हूँ इजीली, लेकिन जो ये होता है टैबलेट इनको खाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन बस अगर मैं बाबू मेरा बड़ा होता ना और तब मैं दवा भी नहीं लेती, तब मैं ऐसे इंतज़ार करती कि मैं ठीक हो जाऊँ, और इंजेक्शन से तो बहुत दूर रहती हूँ मैं, लेकिन बस केवल नमन के लिए खा लेती हूँ, क्योंकि भाई मुझे ठीक होना है बच्चे के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नमन सूट कर रहा है तो वही मैं कह रही हूँ कि अब यही पूरी दुनिया को दिखा दो, ताकि बहुत सारे लोग मुझे बोलें कि जो है इनको दवा खाने में बच्चों की तरह दिक्कत आ रही है। तो जैसे मैं दवा से दूर रहती थी ना, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा दवा खानी पड़ती है और पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। एक हफ्ते ठीक रहती हूँ फिर हो जाता है और मैं समझ नहीं पाती। तो काम तो हम रोज ही करते हैं लेकिन जो है वीडियो नहीं शूट करते हैं, क्योंकि मन नहीं करता, बस चलो जैसे तैसे करके कर लिया। लेकिन अभी मेरे रूम की हालत देख लो, इसको मैंने खुद आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग देख लो कैसे करके ऐसे फैला हुआ, ये जो नीचे सारा सामान अलमारी में है ना यहाँ पे नहीं होता है ये, लेकिन ये जो है नमन अपना इन्हीं का पंप है, इन्हीं के मतलब इसमें जो खिलौने हैं सारे सामान इन्हीं के हैं, तो इधर उधर फैला मतलब फैला रहता है तो ये अपना खेलता रहता है। तो बच्चा है उतना तो दिमाग लगा लिया कि चलो ठीक है इधर उधर फैला रहेगा, इससे अच्छा वो जो है थैले में भर के और डिब्बे वगैरह जो उसको सामने मिले ना उसी में भर भर के नीचे यहाँ लगा दिया है। तो अभी मेरा मन नहीं हो रहा है, ऐसे में दवा खा लेती हूँ और घर का काम अपना करती रहती हूँ, लेकिन जो मतलब बहुत ज़रूरी होता है वही करती हूँ, और जो मतलब चल जाता है वो नहीं करती, वो मैं ठीक होने के बाद ही करूँगी, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी मन नहीं, पता नहीं क्यों वीकनेस लग रही है। और फीवर हो जाता है ना तो उसमें आप कुछ खा भी नहीं पाते हो, तो इस वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी लगती है मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो प्रेस लगाए थे नमन के कपड़े प्रेस करने थे, तो साथ में अपने एक दो कुर्ते भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे जाना होता है स्कूल भी जाना होता है ट्यूशन भी जाना होता है तो नमन को लेके, तो इसलिए। तो अभी बहुत मतलब मेरे काम बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं कि मतलब देख के घुटन हो रही है कि मतलब कैसे पड़े, जब या तो आप वैसे ही रखो ना हमेशा तो आपको नहीं बुरा लगेगा, लेकिन जब आप उसको थोड़ा मतलब सही से रखते हो तो फिर जब वो मैसी मैसी रहता है तो फिर आपको ठीक नहीं लगता, अजीब लगता है। तो इस वजह से मुझे लगता है ना कि मतलब क्या है ये सब मतलब, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ तो करूँगी। और बहुत सारे फ्रेंड मेरे कमेंट करते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट डालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आप लाइव नहीं आ रहे हो,
मैं अपनी प्रॉब्लम किस को बताऊँ। मुझे पता नहीं क्यों भगवान इतनी सजा देता है कि मैं 4 दिन मतलब ठीक रहती हूँ तो 10 दिन बीमार हो जा रही हूँ। अभी पहले नहीं हो रहा था ऐसा, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इस वजह से गाइस, और मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। मैं कम से कम 4-5 दिन हो गया है मैंने कैमरा उठाया ही नहीं है। बस जो प्राइवेट वीडियो थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया, अपलोड करके मैंने प्राइवेट रखा था तो वो मैंने पब्लिक कर दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं करती हूँ क्योंकि ज़रूरी है, आप सभी को इंतज़ार रहता है। और ये है, आया है सामान ग्रोसरी का, तो उसको मैं चेक कर रही हूँ अभी। मैं इसको खाली भी नहीं करूँगी क्योंकि सारे डिब्बे मुझे साफ़ करने हैं। जो साफ़ थे ना, चीनी वगैरह, वो सब मैं खाली कर दूँगी। बाकी चावल और सब जो भी है मतलब साफ़ करूँगी बाद में। तो ये छोटी सी क्लिप नमन ने ले ली थी और इस समय मैं काफ़ी हद तक ठीक थी, आप देख सकते हो। तो मतलब एक ना धीरे धीरे करके ठीक ही होते जाएंगे ना। बस ये है कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत मतलब और भी दुबली हो गई, मुझे मेरा चेहरा छोटा लग रहा है। लेकिन मैं जल्दी लाइव आऊँगी गाइस, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड।